एक से बराबर कर पाएंगे स्कोर लाइन और ये डिसीजन ज्यादा है। किस तरह से पलटवार करेंगे नौबस्ता के खिलाड़ी देखना होगा। बताया इस तरह से करेंगे आप बिल्कुल मुक्त नौबस्ता के नवाब संघा वन ऑल का स्कोर है और आज क्योंकि टूर्नामेंट के आखिरी दिन कुछ लोगों ने हमारी भावनाओं को समझा। पंकज शर्मा जी ने हमारी कमेंट्री टीम को 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। काश आप तीनों दिन आते तो हमारा काम बन जाता। चलिए आप देर से आए दुरुस्त आए हम आपका खदमत करते हैं। हौसला अफजाई की हमारी कमेंट्री टीम को। पुरस्कार दिया है उसके खेल से प्रभावित होकर पंकज शर्मा ने 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। ये देखिए फैसला आता हुआ नौबस्ता के आचार्य निगाहें हैं खिताब पर नौबस्ता की मौका नहीं दे रहे हैं मुजफ्फरनगर को कुछ अतिरिक्त करना। पॉइंट आते चले जा रहे हैं क्या वापसी करेंगे एक और पॉइंट यार नो। अरे बात और है ये दोनों नंबर की जर्सी में जो सर्विस मैन है ये चाह रहे थे कि बेस्ट ऑफ थ्री हो तो ऐसा लगता है कि तीन ही सेटों में निपटा देना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि उनकी ट्रेन है लेट हो जाएंगे शायद तो वो चाहते हैं कि तीन सेट में ही हम निपटा दें। फैज भाई आपके जीजा आदिल भाई कह रहे हैं बैठ कर खा लो। नौबस्ता का सर्विस अच्छा सप्लाई और यह मौका बना था एक पॉइंट ले लिया 3-7। क्या मुजफ्फरनगर वापस अच्छा पास अच्छा बहुत गया राणा साहब है वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। सुबह बिजर के विरुद्ध बेहतरीन पास यहाँ पे और लेकिन देखिए अपने मकसद में कामयाब होता हुआ इस बार मुजफ्फरनगर होगा। डिफेंस अच्छा था अच्छा मिला इस बार अपनी टीम के अहम रोल अदा कर रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेहतरीन डिफेंस एक बार और अच्छा डिफेंस होता हुआ इस बार कामयाबी मिलेगी नमस्ते को। ये देखिए टीम वर्क कर मैं अगर एक खिलाड़ी चल जाता है तो सेंचुरी बना लेता है लेकिन ये एक ऐसा खेल है सभी खिलाड़ियों को बेहतर खेलना होता है तभी। इस बार देखिए राणा थे रोहित राणा ये भी काफी लोकप्रिय अंक का फासला 8-9 जिम्मेदारी होगी एक रन और हंगामा हो गया कोशिश कामयाब नहीं हुए। 5 नंबर दो नंबर की टी शर्ट में वो खिलाड़ी शायद चेंज किया जाएगा नेट में ये सर्विस
और वापस जवाब दिया गया। फिर से इधर से भी नेट पीछे है मुजफ्फरनगर, क्या बढ़त बनाएंगे, क्या ये सेट जीतेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे लिफ्ट किया ब्लॉक और रिवाइंड कराने में कामयाब हुए, चेकआउट लिया है मुजफ्फरनगर 10। हल्का सर्विस शॉट लेकिन कमाल का डिफेंस, एक और कमरा दबाने में कामयाब हुए। वहां से जो बगावत हो रही थी उसको होगी एक पॉइंट मिलेगा नौबस्ता को 14-10। अब धीरे धीरे बढ़त को और आगे ले जाते हुए नौबस्ता इस सेट में भी शॉट और पॉइंट मिलेगा मुजफ्फरनगर को। अच्छा सप्लाई है, ओपन नेट, तारीफ करनी होगी सेटर की, बॉल को वहां पे फेंका जहां ब्लॉकर नहीं थे। 15-11 शॉट, अच्छा ब्लॉक किया गया। एक दो पॉइंट अगर यहां से और बन गए तो फिर दबाव में आ जाएंगे, मुश्किलें हो जाएंगी और ये पॉइंट ले लेंगे लीड को कम करने की। मुजफ्फरनगर अभी भी छोटा सर्विस था शॉट, सुमे सिंह वॉचर का अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया। शांत स्वभाव के दिखते हैं लेकिन जब भी हमला करते हैं तो बहुत ही उग्र हो जाते हैं। ब्लॉक करने का प्रयास कर रोहित राणा को, इस बार ब्लॉक नहीं कर पाए, चेक टके हुए हैं रोहित राणा। एक बार फिर से 9 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी शानदार स्मैशिंग देखने को मिल रही है नौबस्ता की तरफ से, पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है मुजफ्फरनगर को। क्या यहां से वापस आएंगे, ब्लॉक किया गया लेकिन कामयाबी मिली नहीं। 14-18 वो जो 4 पॉइंट की बढ़त है लगातार बनी हुई है और उसके आगे जो भी पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर। सुबह सिंह गुर्जर थे, अपील की गई रेफरी से लेकिन बेहतरीन चेस्टे, अभी भी बातचीत कर रहे हैं रोहित राणा, कुछ परेशानी होने वहां से लेकिन बेहतरीन रेफरी है इसमें कोई शक नहीं है। वापस अपनी जगह जाते हुए बता रहे हैं जो सीनियर, अच्छी खेल भावना का परिचय दिया वहां रोहित राणा ने। शॉट और पता था कि ये वापस नहीं जाएगा क्योंकि चकमा देने में कामयाब हो गए थे ब्लॉकर को। पॉइंट मिला मुजफ्फरनगर को 15-19, अभी भी 4 पॉइंट से पीछे। शोभा सिंह गुर्जर की तूती बोलती हुई तो बता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं, बता रहे हैं कि किस स्तर के खिलाड़ी हैं। अच्छा ब्लॉक, एक और पॉइंट नौबस्ता के लिए। नौबस्ता का रास्ता आसान होता हुआ 21-15 ले लिया है या मुजफ्फरनगर ने। भाई जो इरादे है नौबस्ता के वो बिल्कुल दर्शकों का अच्छा स्नेह, लेकिन दर्शक बिल्कुल मायूस की तरह इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सपोर्ट करें, अच्छे गेम की हौसला अफजाई करें। यहां से मुजफ्फरनगर को अगर लीड करना है तो रोकना है, 6 अंक का फासला। इस बार अच्छा स्पेस बाहुबली थे स्तंभ खिलाड़ी, उलट फेर हो सकता है मैच में लेकिन लालचंद जी की एक ख्वाहिश है, वेट भाई
उनकी टीम लिए एक कोई अशार कह दे, उनकी तमन्ना है, उसको पूरा किया जाएगा। अभी ये देखिए अपने अंतिम चरण में होता हुआ। अच्छा अश्वेश 24-18 सेट पॉइंट हो सकता है खिलाड़ से एक नंबर लालचंद जी की टीम। नमस्ते। और उसी के साथ सेट जीता है, बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होगा। तो अभी भी जो उम्मीदें हैं वो जीवित हैं। मुजफ्फरनगर को अब कुछ बड़ा उलटफेर करना होगा। जी हाँ शाकिब भाई, और हमारे लालचंद जी ने हमें काम से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी टीम के एक शेर पढ़ दीजिए। तो मैं सूबे सिंह भूचल के लिए एक शेर मुझे याद आया कि वाकई में पूरे इस टूर्नामेंट में अपने आप को चताया कि मैं नंबर एक खिलाड़ी हूँ, मैं इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। तो एक शेर मुझे आया कि अंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। इस बात के साबित का एक बार जोरदार तालियां सूबे सिंह भूचल के लिए। पूरे आराम से गुजारिश है, एक नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे दरमियान। मैं कोशिश करेंगे एक बार प्रकार करने की। बादशाह शर्मा साहब जी हाँ, मौका है और बार बार मौका है, लेकिन मुजफ्फरनगर को बहुत कुछ करना है इस मैच में। लेकिन यहाँ पर हौसले लगातार बढ़ते हुए व्यवस्था के, और एक पुरस्कार आया है सूबे सिंह गुज्जर के लिए, 201 रुपये का पुरस्कार आया है वी केयर फाउंडेशन की तरफ से। उसके जो मैनेजर हैं साकिब भाई, जो हमारी कमेटी टीम का भी हिस्सा है, उनकी तरफ अभी है भाई फलपुर सगीन मुजफ्फरनगर 1-3 का स्कोर है। अब यहां से अगर हम मुजफ्फरनगर को इस मैच में बने रहना है तो निश्चित निकालना हो, और मगर वहां सूबे से गुजर और की टीम पूरी तरह से हमला बोल रही है। ये देखिए रोकना मुश्किल होता ही देखते मुकाबला, और फाइनल मुकाबला है वाकई में बात खिलाई बड़े मैच में चलता है। साबित किया सूबे सिंह गुज्जर ने अभी भी बहुत कुछ करना है मुजफ्फरनगर को। उनके लिए डू और डाई का मैच है ये सेट, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अंततः सफलता मिलती हुई इसमें कार्यालयों की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामने आ गई है टीम के लिए, मुजफ्फरनगर की टीम के लिए। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ मुजफ्फरनगर का 4-4, पहली बार हमने देखा कि स्कोर ये भी होता हुआ। क्या यहां से लीड ले पाएंगे? चुनौती है, कल ही चुनौती है। बिल्कुल ओपन नेट था, अंक मिलेगा नमस्ते को। बेहतरीन रहा इस बार का स्थिति है, जो उसकी कसा है वो आपके सामने। क्या प्रयास है यहां पे अंक मिलेगा क्या? लेकिन चूके खिलाड़ी, एक मौका था अंक लेने का, चूक हुई है, बार बार चूक। आओ
अच्छा इसमें विस्तार क्या सर्विस है, अच्छा प्लान विस्तार इसी के साथ एक और मिलता हुआ मुझे पुल फिर दो थोड़ा सा तालमेल की जो दबाया है नवस्था की टीम का उसका भरपूर लाभ रहे हैं खिलाड़ी मुजफ्फरनगर के। क्या सर्विस है भाई और क्या प्रयास है यहाँ पे अंग मेरा सौरभ थे सर्विस थे बहुत ही तीन अंक की बात पहली बार इस मैच में इस तीसरे सेट में लीड लेने में कामयाब हुआ है मुजफ्फरनगर। नाइस नौ और छह ये देखिए इस बात से क्या ये लीड बरकरार रहेगी क्या सर्विस है अच्छा दिया बिल्कुल गेम को वहीं पर क्या स्मैश है अच्छा स्मैश आठ और दस काफी हद तक लीड को कवर किया है खिलाड़ी ने और यहां से देखना होगा और पॉइंट मिल जाएगा नवस्था को एक वो चाहते नहीं कि चौथा सेट हो और वाकई में उम्मीद तो है ये देखिए अंपायर का इशारा और लीड कवर होती एक पॉइंट की दरकार ने लीड कवर भी हो गई तेरह ऑफ का स्कोर है दोनों तुम्हें बराबरी पर है मेहनत करती हुई दोनों टीमें अभी भी पटवार कर सकती है नहीं पूरी तरह से ब्लॉक किया है और कोई गुंजाइश नहीं बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक सच्चा ब्लॉक और वहां पर गुजर है सूर्य सिंह गुजर शानदार खिलाड़ी है और ये देखिए पकड़े गए और का इशारा अंपायर का हाथ ने गलती कर दी और पॉइंट दे दिया निगाह सर्विस और तो है टीएस डिसीजन अंपायर मुजफ्फरनगर ऑनलाइन ट्वेल्व ऐसा से कभी हुआ नहीं कोई भी और बहुत ही नजदीकी ये मुकाबला है ये सेट हो नजदीकी सेट हो रहा है यहां बिल्कुल सही कहा क्योंकि यहां वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं मुजफ्फरनगर और